हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को कुकिंग चैनल पर स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइए। आज हम बनाएंगे राज कचौरी बिल्कुल मार्केट स्टाइल में। और इसमें मैं आज कुछ हलवाई वाली टिप्स दूंगी, जैसे उनकी क्रिस्पी क्रिस्पी रहते हैं उसी तरह की। फिर बनाना स्टार्ट करते हैं कचौड़ी का पहला ट्रिक। उसका आटा लगाना होता है। एक कप हमने सूजी ली है, ये बारीक वाली सूजी है। अगर आपके पास मोटी सूजी हो तो मिक्सी के जार में डालकर उसे एक बार घुमा लें। आटा नहीं बनाना, थोड़े हमें दाने दाने चाहिए। और उसी कप से नाप के आधा कप हमें मैदा चाहिए। ये परफेक्ट रेशियो है। बहुतों को परेशानी होती है कि उनकी ठंडी होने के बाद कचौड़ी क्रिस्पीनेस नहीं रहती, वो ठंडी होने के बाद बेकार हो जाती है। तो एक परफेक्ट रेशियो है। एक कप हमने सूजी लेनी है और आधा कप हमें मैदा लेना है। परफेक्ट रेशियो है, इससे बेकार नहीं होंगी। सूजी से क्रिस्पीनेस बना रहता है और मैदा से सॉफ्टनेस आता है। इसी तरह बनानी है। इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। इसमें हमें कोई तेल वेल नहीं डालना, ना ही बेकिंग सोडा। इसका हम आटा लगा लेते हैं, जिस तरह से हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं उससे थोड़ा सॉफ्ट लगाना है। पानी डालने के बाद तो सूजी एकदम फूल जाती है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पानी गेरेंगे। ये देखिए हमारा आटा लग गया। हमें इसको इतना सॉफ्ट रखना है। ये देखिए इतना सॉफ्ट है। कोई गीला कपड़ा करके इसके ऊपर रख देते हैं और इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। अब बना लेते हैं राज कचौड़ी के लिए बेसन वाली फिलिंग। ये मैं 5 चम्मच बेसन ले रही हूँ। अब डालते हैं इसमें नमक, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च और आधी छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, इसको मीठा सोडा भी बोलते हैं, और 1 चम्मच तेल। इसको कर लेंगे पहले मिक्स। ये हो गया मिक्स। अब इसमें डालते हैं 2 चम्मच पानी। इसको हमको ज्यादा पतला नहीं करना, टाइट रखना है। ये देखिए हमने कर लिया इसको मिक्स। इसको हमें इतना टाइट रखना है, ज्यादा पतला नहीं करना। ये देखिए आटे को 10 से 15 मिनट हो गए और आटा कितना सेट हो गया। अब इसकी बना लेते हैं हम लोई। ये देखिए मैंने इस साइज की लोई रखी है। इसी तरह हम सभी को तोड़ लेंगे। ये देखिए मैंने सभी की लोई बना ली। अब इसको हम बेलते हैं और जो बची है उनको उसी गीले कपड़े से हम ढक देंगे, ताकि ये ऊपर से जो पापड़ी सी आ जाती है वो नहीं आए। हम एक लोई ले लेंगे, इसको इस तरह से करेंगे। और जो हमने ये बेसन वाली फिलिंग बनाई थी इसको थोड़ा सा लेंगे, इसको इस तरह रखेंगे और इसको इस तरह से बंद करेंगे। इस तरह से। अब इसको नीचे दबा देंगे। अब इसको हम बेलते हैं। लोई को थोड़ी सूखी मैदा से लगा लें, इस पर तेल ना लगाएं, सूखी मैदा ही लगानी है। इसको हल्के हाथ से हमें बेलना है, दबा दबा के नहीं बेलना, हल्के हाथ से हम बेलेंगे इसे। ये देखिए हमने इसको बेल लिया, इसको हमने इतना मोटा रखा है। ये देखिए हमारा तेल गर्म होगा और इसमें किस तरह से भाप निकल रही है। अब इसकी गैस कर देते हैं बिल्कुल लो। और कोई चौड़ी कढ़ाई ले, उसको तेल से पूरा ना भरे, आधा ही रहने दे। इसमें डालती हैं हम अपनी कचौड़ी। इसको हम दबा दबा के फुलाएंगे, ज्यादा नहीं दबाना, हल्के हाथ से दबाना है। ये देखिए फूल गई। अब इस पे इस तरह से हम तेल डालेंगे, इससे एकदम क्रिस्पी बनती है। इस तरह से डालेंगे, इसको हम पलटते हैं। इस पे भी इस तरह से हम तेल डालेंगे। ये देखिए हमारी दोनों साइड से कचौड़ी सिक गई। अब इसको हम निकाल लेते हैं। देखिए कितनी क्रिस्पी है। ये देखिए अब राज कचौरी के लिए हम फिलिंग बना लेते हैं। उसके अंदर क्या क्या डालेंगे, ये मैंने उबले हुए आलू लिए हैं, उनको मैंने छोटा छोटा करके काट लिया है। आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच चाट मसाला, नमक स्वाद अनुसार और एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया पत्ता। इसको करेंगे मिक्स। हम इसको अलग अलग भी गेर सकते हैं, पर जो फीलिंग अब मिक्स करके बनाएंगे उससे टेस्ट लाजवाब आता है। ये देखिए ये मिक्स हो गया। अब राज कचौड़ी के लिए हम दूसरी फीलिंग बना लेते हैं। ये मैंने छोले लिए हैं, ये मैंने रात को भिगा के इन्हें सुबह उबाल लिया है। आप इसकी जगह वाइट वाले चने भी ले सकते हैं जो चाट के लिए आते हैं, और इसकी जगह काले चने भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें डालते हैं आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर,
और आधी छोटी चम्मच चाट मसाला। नमक मैंने यहाँ पे थोड़ा गिरा है क्योंकि हमने बाकिन में भी गिरा है इसलिए थोड़ा गिरा है। एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया पत्ता, अब इसको करेंगे मिक्स। ये मिक्स हो गया, इस पर डालते हैं नींबू का रस, इसको भी कर लेंगे हम मिक्स। ये हमारी होगी चाट तैयार। अब हम अपनी राजकचौड़ी तैयार कर लेते हैं, इसको बीच में से फोड़ेंगे। ये कितनी क्रिस्पी है। इसमें आलू डालते हैं जो हमने तैयार करे, अब चने डालते हैं जो हमने तैयार करे, इसको अच्छे से डालेंगे जो पूरी कचौड़ी भर जाए। इसमें पापड़ी डालते हैं, ये मैंने तोड़ ली है पापड़ी बीच में से। इसमें मीठी सौंट, ये मैंने बनाई है इमली वाली, ये हरी लहसुन अदरक की। इस पे डालते हैं, ये मैंने भुजिया नमकीन ली है, इसको डाल देंगे। इसके ऊपर फिर से हम दही डालते हैं, ये देखिए मीठी सौंट। इसके ऊपर हरी चटनी फिर से डाल देंगे। अब इसके ऊपर डालते हैं मसाले, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा चाट मसाला और जीरे का पाउडर, ये मैंने भून के पीस लिया है। इसके ऊपर थोड़ी सी दही और डालेंगे हम, जिससे और ज़्यादा टेस्टी लगे, और थोड़ी सी मीठी सौंठ। इसके ऊपर भुजिया डालते हैं फिर से, इसके ऊपर डाल देते हैं अनार के दाने, इसके ऊपर डाल दें थोड़ा सा धनिया पत्ता। ये देखिए हमारी राजकचौड़ी तैयार हो गई, कितनी यम्मी और टेस्टी लग रही है। आप भी ट्राई करें और मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, थैंक यू।